Jim Corbett. आज देखते हैं कि हमें टाइगर दिखता है या नहीं। आज तो हम टाइगर देख के रहेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारत दर्शन विद HSB। आई एम द डॉटर ऑफ हरी सिंह बजेली। सो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ अपने फादर के चैनल में, ये पोस्ट होगा। मैं आई हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर, और अभी मैं हूँ जिप्सी में। इन जिम इज इन इट डेला जोन, और हिरन जी अपना भोजन करते हुए, और साथ में बंदर है। बंदर को देखे कैसे आ रही है, मुंह ही जवा रहा है। और ये हमारे बंदर जी भोजन कर रहे हैं साथ में, और साथ में हिरन जी भी भोजन कर रहे हैं। मेरे पीछे हिरन है, और बस हम चले जा रहे हैं। और इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ आसपास आपको जंगल है, कोई शोर नहीं है, सिटी का कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही सुकून और पीस है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब ये देखिए मेरे पीछे सूखा हुआ घास, जो कि खतरनाक दिख रहा है। ये डेला जोन के अंदर ही एक अलग से ये पार्ट है। डियर्स, वाह डियर। ये जंगल ही बहुत अपने में यूनिक, हटके, और बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल है। यू कैन सी दैट। और हमें यहाँ पे कुछ हिरन्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हिरन है, जो कि दिख रहे कैमरे में की नहीं, लेकिन बहुत सारे हिरन है, बहुत सारे डियर है। यहाँ पे टाइगर हो भी सकता है। हमारे सहपाठी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हिरन है, तो पक्का मोर हिरन छोटा मोर भी है। मोर भाग रहा है, चकोर तो नहीं है, मोर है, मोर भी है, ये बच्चा है। अच्छा, ये मोर का बेबी है। और आगे देख लो, बीवर बेल्ट बिया का बया के नेक्स्ट भी है टंगे हुए, नेक्स्ट देखो कहाँ टंगे हुए सामने। अच्छा, बीवर बेल्ट बया किसका, बीवर बेल्ट बया, बया के नेक्स्ट। अच्छा, वो है सामने, वो है चिड़िया। देख देखो कुछ, कौन है, मोर पंख खुला है पक्का। वो देख, दिख रहा है पीछे, कर लो एंगल, पीछे करो, पीछे कहाँ है वो देख भाई। मैच हमें पूरा झुंड, वो देख आगे पूरा सी झुंड हमें दिख रहा है यहाँ पे हिरन का, तो कुछ तो है लोचा इधर पक्का। वो पीछे थोड़ा सा वो है उधर मोर, पूरा झुंड जा रहा है, वो झुंड है, और इधर पीछे मोर, मैं पीछे उधर तक कर लेना, मोर दिख जाएगा। मोर वैसे उधर भी है, और पीछे उसने पूरे पंख खोल रखे थे, पता नहीं कहाँ चला। झुंड दिख रहा है, लेकिन इसमें ज़ूम में नहीं दिखेगा यार, इसकी वीडियो में। बट वो देख, बस 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 बस, फोटो खींचती हूँ। सी हियर इट इज, वी गॉट हिरन का झुंड, और बहुत सारे है हिरन, एक नहीं है बहुत सारे है। So beautiful.
एक तो ब्राउन घास थे दिख नहीं रहते, वो तो एकदम से नजर पड़ गई। बहुत सारे डियर थे। बोलती हो गई अभी बंद, क्योंकि ये जिस तरीके का ये वाला साइड वाला जंगल है कहीं टाइगर ना आ जाए। सो अभी हम उतरे हैं नीचे अपनी जीप से और व्यू कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पापा बोलते हैं कि दोस्तों कुछ इस प्रकार है, लाइक दिस। पीछे ये खाली है जो कि बारिश में इधर पानी भरता है आई थिंक, इसलिए कॉर्बेट बंद हो जाता है जब रेनी सीजन होता है, यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है जो कि अभी खाली है, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों। सो हम हैं नीचे ब्रेक लिया है इसलिए अभी हम नीचे, और यहाँ पे कोई टाइगर टूगर नहीं आता, कोने की जगह। तो जर्नी हमारी स्टार्ट है और अभी तक हमें यहाँ पे हिरन बंदर ही दिखे हैं और कुछ जंगल। इस तरफ भी जंगल है और इस तरफ भी जंगल है और जंगल के बीच में जा रही हमारी जिप्सी। सी में हूँ मैं आपकी होस्ट बबीता बंजेली। जैसे कि आपको पता है कि जब आप जिम कॉर्बेट आते हो तो उसको विजिट करने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो कि जब आप सफारी बुक करते हो या तो आपको ड्राइवर बता देते हैं या तो जो आपके गाइड होते हैं वो आपको बता देते हैं रूल्स क्या है। तो आपने, आपको पता होगा वहाँ का जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो उससे आपको नीचे नहीं उतरना। लाइक अगर आप जिप्सी ले रहे हो तो जिप्सी में आपको सफारी करनी है तो जिप्सी से नीचे नहीं उतरना। और एक और यहाँ पर चलता है ट्रक ट्रैंक, उसमें भी अगर आप हो तो नीचे नहीं उतरना। मतलब इसका मोटो यही है कि आप पूरा जंगल विजिट करो पैदल या नीचे नहीं उतर सकते, आप उसी में बैठे या खड़े होके आप देख सकते हो दूर दूर तक, नीचे उतरना बैन है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि नीचे क्यों नहीं उतरने देते, क्यों मना है। तो आज से बहुत साल पहले कुछ फॉरनर्स आए थे, टूरिस्ट यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया जब वो विज़िट कर रहे थे ये कॉर्बेट पार्क, तो वो जिप्सी में सफारी कर रहे थे तो उन्हें ना एक बहुत ही प्रिटी बर्ड दिखी। यहाँ पे काफ़ी प्रजातीज की बर्ड दिखती है, नॉट फॉर सिंगल की चिड़ियाँ दिख गई, यहाँ पे बर्ड्स के बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स है और बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। तो उन्हें वो बर्ड्स दिखी और उन्होंने उसकी पिक्चर्स लेने की सोची कि जूम से उसकी अच्छी सी पिक्चर्स लूँ, तो वो नीचे उतर गए और उसकी पिक्चर्स लेने लगे। तभी वहाँ से एक टाइगर जा रहा था और टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया, तो टाइगर ने एक इंसान को अटैक कर दिया, उसे मार दिया। तो तब से यहाँ पर एक रूल बन गया कि टूरिस्ट आएंगे विजिट करेंगे लेकिन वो नीचे नहीं उतरेंगे, ज़मीन में उतरना इधर बैन है। वाइल यू आर विजिटिंग दिस कॉर्बेट पार्क, ज़मीन में उतरना बैन है। तो ये स्टोरी है उसके पीछे कि यहाँ पे इतने सारे रूल्स है, ज़मीन में नहीं उतरना और शोर नहीं करना और खाना पीना बैन है। हमें ड्राइवर अंकल ये बता रहे थे कि ये जो छोटे छोटे जानवर्स है लाइक मंकीज़ हो गए और बर्ड्स हो गए, ये सब आवाज़ करते हैं जब टाइगर्स इन्हें दिखता है, क्योंकि पेड़ में बैठे होते ऊपर तो इन्हें टाइगर दिखता है या उनकी आहट सुनाई देती है, तो ये हमें इंडिकेट्स करके साइन देते हैं, कुछ आवाज़ करते हैं कि टाइगर है आसपास। सो थोड़ी देर हम यहाँ पे रुक गए, हम यहाँ वेट कर रहे थे कि यू नो ये जोन है, यहाँ पे टाइगर्स वगैरह मिलते हैं, दिखा जाता है। तो हम थोड़ी देर रुके और हमने वेट किया और यू नो यहाँ पे इतना सुकून, इतनी शांति थी कि बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। यू कैन हेयर दिस, यू नो अगर आप वहाँ होते तो आपको ज़रूर सुनाई देता कि आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, इतनी शांति। बट
तब हम काफ़ी वेट किया और हमें कुछ दिखा नहीं खास, तो हमने अपनी जिप्सी को यू नो बोल दिया कि चलिए भैया आगे चलते हैं। तो इस लेन में जब हम आगे 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 जा रहे थे, यू नो व्हाट, कि हमें क्या दिखा जो हमें स्टार्टिंग की जर्नी से ही दिख रहा है, एक ही चीज़। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं हमारे लंगूर जी। और देर इज़ लॉट्स ऑफ बंदर 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 बंदर, और एक बंदर की तो पूँछ थी, देखो सड़क में दिख रही है ना आपको, ये पूँछ थी, ये टायर के ऊपर आ जाती, लेकिन फिर हमने कैसे भी करके उन्हें उसे हटा दिया और आगे चल गए। और ऑन आर लेफ्ट साइड यहाँ पे डियर्स है, उनकी शायद मम्मी है, उनके बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं। और जैसे ही गाड़ी की आहट आती है ना, तो उन्हें थोड़ा डर सा लगता है और ये चले जाते हैं। और हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यू नो हम नीचे उतर के इनके साथ फ़ोटो क्लिक करें और इन्हें पकड़े। बट भैया अपने को मरना नहीं है, शेर का शिकार नहीं बनना। बट कभी कभी एक्साइटमेंट में इंसान करने की सोचे तो नहीं, अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जीप में ही रहे। तो अभी हमने फिर से अपनी जिप्सी को स्टॉप किया है। ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि एक बस स्टॉप कर लेते हैं, यहाँ पे भी यू नो टाइगर वगैरह की मूवमेंट पाई जाती है। बस हम वही देख रहे थे, फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट की अपनी जीप। और लेफ्ट साइड राइट साइड चारों तरफ नज़र हमारी तराकेदार थी कि भैया कहीं भी टाइगर आए और हमारी सिट्टी विट्टी गुल हो जाए, जितना हम एक्साइटेड होते हैं कि यू नो हम टाइगर देखेंगे। लेकिन मुझे तो पता है कि मैंने क्या देखा इस वीडियो में, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। पर जब टाइगर आता है ना, तो आपकी सीटी और बीटी दोनों गुल हो जाती है। एक्साइटमेंट होता है लेकिन सीटी बीटी हो जाती है गुल, बट मज़ा भी आता है अगर यू नो। दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है कि दिन भी ढल गया है और हमारी जो ट्रिप है वो भी एंड हो रही है ऑलमोस्ट, और हम एग्ज़िट गेट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बट यू नो जब हमारी ट्रिप एंड हो रही थी और जब हम एग्ज़िट गेट की तरफ जा रहे थे, तो हम बहुत ही निराश और बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि यार हम देखने गए और हमें नहीं दिखा, बहुत अनहैप्पी से हो गए थे। बट बोलते हैं ना कि लक जो होता है ना वो हर किसी का नहीं होता, और हम थक गए और निराश हो गए, तो हमने कैमरा वैमरा तो सब रख दिया बैग में और बैठ गए थे। बट जिस जोन में हम गए थे डेला जोन में, वहाँ पे 15 जिप्सी को एंट्री मिली थी 2 से 5 बजे के स्लॉट में। और यू नो व्हाट, सिर्फ 4 जिप्सी को मौका मिला, या यू कैन से दैट उनका लक था कि सिर्फ 4 जिप्सी को जब हम एग्ज़िट कर रहे थे, तो सिर्फ उन्हीं 4 जिप्सी में से एक हमारी जिप्सी थी कि हमें चांस मिला, हमें वो टाइगर देखने का मौका मिला फाइनली। वो भी पूरा जंगल घूम लिया, रोक लिया, कहीं नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम एग्ज़िट करने लगे और एग्ज़िट की तरफ वहाँ पे टाइगर हमें दिखा, और तब हम इतने थक गए और निराश हो गए कि चल कोई नहीं, अब तो एंड हो रही है जर्नी, कोई नहीं दिख रहा। तो हमने अपने कैमरेज भी बंद कर दिए और हम बैठ गए। बट जब हमें दिखा तो हमने अपने फ़ोन से शूट किया और फाइनली यू नो हम ऐसे हो गए, वाओ वी गॉट लाइक दिस, और मज़ा ही आ गया, हमारा दिन ही बन गया और पैसे सब वसूल हो गए। नाउ यू कैन सी दैट हेयर इट इज, वाओ व्हाट अ लक वी हैव, व्हाट अ लक वी हैव कि हमें जर्नी के एंड में हमें दिख रहा है, वो भी हमें सिर्फ 4 जिप्सी थे और उसमें से एक हमारी जिप्सी थी जिसे हमें दिखा, और हम यू नो मज़ा ही आ गया यार, व्हाट अ लक वी हैव। सही बोलते हैं कि लक होता है तो ही जिम कॉर्बेट आओ, अगर लक नहीं है तो पैसे वेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है एंड। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो जिम कॉर्बेट का, और आपने भी मेरे साथ घूमा हो इस व्लॉग में और इन्जॉय किया हो जितना मैंने इन्जॉय किया है। मुझसे जितना हो सका मैंने एक्सप्लोर किया, जितनी चीज़ें मुझे दिखी मैंने इस सब वीडियो में बताई। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा देखने में। थैंक गॉड कि हमें एंड ट्रिप के एंड में टाइगर दिखा और हमारे पैसे भी हो गए वसूल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डू सब्सक्राइब भारत दर्शन विद HSB फॉर मोर वीडियोस एंड मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ गाइज, एंड डू सब्सक्राइब। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय गाइज।